थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर इससे पहले मैं कुछ भी कहूं मैं सबसे पहले बीसी सर को और पूरे आरसीएम परिवार को नमन करना चाहती हूँ मुझे मालूम है कि सब लेकिन फिर भी इस सब को पीछे छोड़कर मानवता के लिए जो आज आपने एक नया अभियान छेड़ा है जो आपने वर्ल्ड हार्ट डे पर जागरूकता देने के लिए लोगों को जो आज इतनी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है उसके लिए मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे ये देश कैसे आपका आभार चुकाएगा तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज अभी लखन यादव जी ने एक वीडियो दिखाई और मुझे मालूम है ये वीडियो एक प्रतिशत पिक्चर दिखा रही है जो एक्चुअली हमारे देश में हो रहा है आप सोचिए ये उससे भी भयंकर है सौ गुना ज्यादा भयंकर है कितनी खतरनाक चीज हो रही है हमारे देश में और जो वीडियो आपने देखी उसमें आखिरी लाइन को अगर आपने सुना हो वहां पे जो एंकर थे न्यूज एंकर वो कह रहे थे जागरूकता की कमी है अवेयरनेस की कमी है यानी ये सब रोका जा सकता है ये सब बदला जा सकता है दूसरे देश इसे रोक रहे हैं कम कर रहे हैं बदल रहे हैं लेकिन इंडिया में अवेयरनेस की कमी है जागरूकता की कमी है इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि अपने दिल का ख्याल रखो चौबीस घंटे ही आपके लिए काम कर रहा है बिना रुके एक पल के लिए रुक गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी इसके लिए कुछ करो जागरूकता फैलाओ इसको बचाओ और आज जो आरसीएम परिवार की इतनी बेहतरीन कोशिश है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ ऐसा कर जाऊं कि हमारे देश में एक नया इतिहास बन जाए कि इस इवेंट की वजह से इस वर्कशॉप की वजह से इस प्रोग्राम की वजह से देश में हम हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों पर काबू कर पाए हम लाखों करोड़ों लोगों को बचा पाए आज मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी तो भगवान का नाम लेकर दिल से आज इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करती हूं हम अक्सर देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को टीवी पे देख रहे हैं परफेक्ट लाइफस्टाइल वाले सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं जो नॉर्मल कोर्स में काम कर रहे हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से स्ट्रोक से कार्डियक अरेस्ट से डेटा और स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि साढ़े सत्रह लाख लोग हर साल हार्ट डिजीजेस से मरते हैं एवरी ईयर और अभी जो बीसी सर ने एक प्रिडिक्शन आपको दिखाई वो बिल्कुल सच है एम्स के डॉक्टर्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि जिस तरीके से जिस जिस रेट से हार्ट डिजीजेस इंडिया में बढ़ रहे हैं यंग जनरेशन में हो रहे हैं ये आंकड़े ढाई करोड़ तक जाने वाले हैं एवरी ईयर 2030 से आपको याद है एक ऐसी बीमारी कोविड सबको याद होगी जब हमने जिंदगी की वैल्यू समझी मुझे लग रहा है तब सबको मौत से डर लगने लगा जब कोविड आया और कोविड में दो सालों में आप जानते हैं कितनी मौतें हुई हैं पांच लाख बत्तीस हजार इंडिया में इंडिया में कोविड से पांच लाख बत्तीस हजार मौतें हुई दो सालों में और हमने जिंदगी की अहमियत समझी और हार्ट डिजीज जो ऑलरेडी इतनी खतरनाक पिक्चर ले चुका है जहां पर ऑलरेडी सत्रह अठारह लाख लोग हर तीस सेकंड में एक हार्ट अटैक हो रहा है सत्रह अठारह लाख लोग हर साल अपनी जान गवार रहे हैं इस बीमारी से इस पर हमने कभी कोई विचार ही नहीं किया ये भी तो अपने आप में एक महामारी है लेकिन यह साइलेंट है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा इसकी जो क्रूरता है वो हम नहीं समझ पा रहे हमने वैसे इस पर काम ही नहीं किया जैसे हमने कोविड पर काम किया आपको याद होगा जब कोविड आया सरकार ने हमें कहा डॉक्टर्स ने कहा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रोटोकॉल बनाइए एक आठ चीजों का प्रोटोकॉल हमें दे दिया कि हाथ धोने हैं सैनिटाइज करना है एक मीटर की दूरी रखनी है मास्क पहनना है सबको याद होगा जिनकी वीडियो ऑन है एक बार हाथ ऊपर करके मुझे बताइए कि क्या आपको याद है कि इस तरह का हमने प्रोटोकॉल बनाया उसे फॉलो किया और हमने इस महामारी पर काबू पाया इसीलिए शायद जो आंकड़े सोचे गए थे इंडिया में मौतों के कोविड के कारण वो आंकड़े पूरे नहीं हुए बहुत कम बहुत कम रेट से कोविड ने नुकसान किया नुकसान किया लेकिन बहुत कम रेट से क्योंकि हम बहुत सावधानी से चले अवेयरनेस से चले और कोविड से ऑलरेडी पांच गुना ज्यादा मौतें जो हार्ट डिजीजेस कर रहे हैं क्या हमने आज तक उसके लिए कोई प्रोटोकॉल बनाया क्या सरकार ने कोई प्रोटोकॉल बनाया क्या किसी एक्सपर्ट ने कोई प्रोटोकॉल बनाया क्या जागरूकता दी नहीं बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए लेकिन आज आर परिवार की इस कोशिश से इस मेहनत से आज पूरे इंडिया को एक प्रोटोकॉल मिलने वाला है जिससे हम हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों पर काबू पाएंगे ये प्रोटोकॉल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करके जी हाँ इस वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 2023 को हम आज एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं हार्ट डिजीजेस पर काबू करने के लिए जिसमें से सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हमें फॉलो करना है हर इंडियन को फॉलो करना है हर किसी को फॉलो करना है वो है अपने कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना अपने कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना क्योंकि दिल की बीमारी सबसे ज्यादा उसी को होती है जिसके खून में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाए जिसके ब्लॉकेज हो जाए आम भाषा में हम इसे ब्लॉकेज कह देते हैं क्योंकि ये हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये बचपन से जमना शुरू हो जाता है उम्र के साथ साथ बढ़ता है लेकिन इसका जमाव बचपन से शुरू हो जाता है इसीलिए अमेरिका में नौ साल के बच्चे का लिपिड टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई जाती है नौ साल के बच्चे की लेकिन इंडिया में कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं कि किस एज में कोलेस्ट्रॉल को चेक करना चाहिए जब डॉक्टर कहता है जब हालात बहुत ही गंभीर हो जाते हैं तब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया जाता है और हर इंडियन आज की डेट में कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पे है ये मैं नहीं कहती आईसीएमआर ने एक स्टडी की जहां पर हजारों दे लोगों का टेस्ट किया गया सैंपल्स लिए गए वहां पर ये सामने आया कि उन हजारों लोगों में 80 परसेंट लोग ऐसे थे जिनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ था आप सोचिए 80 परसेंट इसीलिए तो ये सिचुएशन है इसीलिए तो वो वैसी दर्दनाक वीडियो हम देख रहे हैं इसीलिए तो हर रोज खबरें आ रही हैं क्योंकि सबसे पहला जो हमारे दिल का दुश्मन है हम उसी पर काबू नहीं पा रहे उसी की चपेट में आए हुए हैं और जो दवाइयां उसे ट्रीट करने के लिए हमें दी जाती हैं जैसे स्टैटिन नाम की दवाई उसके अपने दुष्प्रभाव हैं बल्कि वो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हमें देती है कि हम और बीमारियों की चपेट में चले जाते हैं ये हो रहा है और हमारे देश में जैसे अभी बीसी सर ने भी बताया हमारे हाथों में समाधान है हमारे देश में पहली बार एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामो रिजनॉल जो प्रमाणित है कि वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा क्यों क्योंकि जापान की सरकार ने इसे ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुदरती दवा है जापान ने अमेरिका की सरकार ने भी इसे हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया हुआ है यानी कि ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बढ़े हुए लिपिड लेवल्स को यानी कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में मैनेज करता है कम करता है हमारे देश की सरकार कहती है कि गामो ओरिजनॉल पर क्लेम किया जा सकता है दावा किया जा सकता है कि ये हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एफ की नोटिफिकेशन आपके सामने है आज हमारे देश के डॉक्टर्स जब कहते हैं आर्टिकल्स लिखते हैं कि हमारे पास कोई मैजिक पिल नहीं है जादू की गोली नहीं है कि आपका बड़ा कोले जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपके हार्ट को बचाएगा जो आपका एच है उसे बढ़ा दे हमारे पास ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं है लेकिन आज उसी देश में पद्मश्री डॉक्टर कह रही हैं कि गामोर इजनॉल एक ऐसी मैजिक पिल है एक जादू की गोली है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है इसीलिए हमें हार्ट डिजीजे से हार्ट अटैक से बचाता है ये न्यूट्रास्यूटिकल ये भोजन न्यूट्रासुटिकल यानी एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट हो ये न्यूट्रास्यूटिकल हाई बल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है कम करता है और आज मैं एक अलग ही कॉन्फिडेंस से ये बोल रही हूं क्योंकि मेरे पास इतना एविडेंस है इतने टेस्टिमोनियल हैं इतने वीडियोस हैं जहां पर लोगों ने रिपोर्ट में मुझे दिखाई है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था गामो और इज लिया कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया इस तरह के हमारे पास वीडियोज हैं तो इस प्रोटोकॉल में पहली चीज ये हो गई कि हमें अपने कोलेस्ट्रॉल पर चेक रखना है हर तीन महीने में एक बार हर इंडियन अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएगा चाहे वो गामा और ले रहा है चाहे नहीं ले रहा लेकिन हर तीन महीने में उसे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना ही करवाना है ये लिख लीजिए ये नोट कर लीजिए दूसरा जो पॉइंट है मेरे प्रोटोकॉल में वो ये है कि हमें अपने शुगर लेवल्स पर भी चेक रखना होगा शुगर लेवल्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो भी दिल की बीमारी होती है क्योंकि ब्लड में वो एक्सेसिव ग्लूकोज जम गया है और यहां पर भी गामो हमारी मदद कर रहा है क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं और इस पर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है पूरा गूगल भरा पड़ा है जो गामो की ऐसी प्रॉपर्टीज बताता है जिसमें यह सामने आता है कि गामो लेने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है हमारे बीटर सेल्स की जो डेथ होती है वो कम हो जाती है इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आता है और तो और देश के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं इवन कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर आपका शुगर लेवल बड़ा हुआ है अगर आपको डायबिटीज रिवर्सल करना है तो गामा और इजनॉल एक बहुत ही शानदार कुदरती प्रोडक्ट है साइंटिफिकली प्रूवन है तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है अपने प्रोटोकॉल का कि हमें अपने ब्लड शुगर को मैनेज रखना है जिसमें अगेन हमारा सपोर्ट गामोर कर रहा है और ये मैं वीडियोस टेस्टिमोनियल रिपोर्ट्स एविडेंस के बेसिस पे कह रही हूं इसके लिए भी आपको जो अपनी डायरी में लिखना है कि आपको हर तीन महीने में अपना शुगर का टेस्ट भी करना है और शुगर का टेस्ट जो करना है वो एच बी एन सी टेस्ट जो होता है जो तीन महीने की आपकी शुगर को टेस्ट करता है कि आपकी एवरेज शुगर कितनी रहती है अगर वो लिमिट में है देन इट इज ओके अदरवाइज हमें इसको और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होगी तीसरा पॉइंट जो मेरा आता है आपको अपने बीपी को भी मॉनिटर करना है अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है अब ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, करना क्यों जरूरी है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट डिजीजेस होते हैं हार्ट अटैक्स होते हैं और थ्री आउट ऑफ एट इंडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और दुख की बात यह है उन्हें पता भी नहीं है जी हाँ उन्हें पता भी नहीं है ये एक साइलेंट किलर है कई बार हाई बीपी के सिम्टम नहीं आते लोगों को नहीं पता कि उन्हें हाई बीपी है बहुत सारे गांव में लोगों को नहीं पता कि उन्हें हाई बीपी है और इसीलिए हम ऐसी हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतें देख रहे हैं तो आपको अपना बीपी रेगुलरली चेक करना है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी मैं गामो ओरिजनॉल की प्रॉपर्टीज को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि गामो ओरिजनॉल एक प्रमाणित एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है अगेन यहां पर बड़े बड़े डॉक्टर्स कह चुके हैं कि हार्ट डिजीजेस के इस रिस्क फैक्टर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर उस पर भी गामो और रिजनॉल काम करता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है मेरे साथ देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स इस चीज को समर्थन दे रहे हैं और तो और मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं जहां पर लोगों ने कई कई सालों से जो बीपी की दवाई ले रहे थे उनकी दवाइयां बंद हो गई गामो रिजनॉल के माध्यम से यहां पर ऐसे भी लोग हैं जिनका दवाइयों से बीपी कंट्रोल नहीं होता था लेकिन गामो और रिजनॉल से नॉर्मल रहने लग गया यानी कि आपकी इस प्रोटोकॉल में भी गामो और आपकी मदद करता है अब आपको इसे फॉलो कैसे करना है आपको हर हफ्ते हर हफ्ते में एक दिन आप चुन चुन लीजिए जैसे मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए संडे का दिन चुना हुआ है हम संडे को सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सबका बारी बारी बीपी चेक होता है तो हफ्ते में एक दिन अपना बीपी जरूर चेक कीजिए बहुत ही आसान है दो मिनट लगते हैं बीपी चेक करने में अगला पॉइंट जो मेरे प्रोटोकॉल में आता है वो है अपने स्ट्रेस को अपने स्ट्रेस लेवल को चेक रखना अब यंग जनरेशन में इतने हार्ट डिजीजेस क्यों हो रहे हैं क्या आपने कभी सोचा है 21 साल के लड़के की मौत क्यों स्ट्रेस फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज की मौत क्यों स्ट्रेस जी हाँ स्ट्रेस यानी कि तनाव टेंशन जो हम इतना कुछ अपने सामने खड़ा कर लेते हैं या इतनी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कहीं ना कहीं वो हमें स्ट्रेस देती हैं और आज से बहुत जरूरी है कि हम हर रोज खुद को पूछें कि मैं कैसा हूं मैं कैसा फील करना हूं मतलब हाउ आर यू की जगह हाउ आर यू फीलिंग पूछें कि आप कैसा फील कर रहे हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप खुश हैं हर रोज शीशे के आगे अपने आप को खुश करें अपने आपको बोलें कि तुम्हें खुश रहना है तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना और ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि 88 परसेंट भारतीय आज की डेट में स्ट्रेस में है टेंशन में है और मैं कुछ टिप्स बतौर डाइटिशियन जो मैंने खुद पर भी अप्लाई की है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी टिप्स हैं जैसे मेडिटेशन करना सिर्फ सांसों पे फोकस करना आप देखेंगे अगर आप टेंशन में हो अगर आपको गुस्सा आए आप 10-15 मिनट मेडिटेशन करके देखिए आप बहुत हल्का फील करेंगे आप धन्यवाद करें हम कई बार उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है भूल जाते हैं उन चीजों को जो हमारे पास है जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके लिए शुक्रिया करके देखें आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो और गिवनेस की प्रैक्टिस है उसे कीजिए यानी की कि माफी मांगना माफी मांगने से हम खाली हो जाते हैं अभी एक फेस्टिवल भी आ रहा है जो फेस्टिवल चल रहा है जैन धर्म में मुझे लग रहा है ये फेस्टिवल पूरे इंडिया में कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर किसी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है माफ कर दीजिए उन्हें जिन्होंने आपको कभी दुख दिया और माफी मांग लीजिए उनसे जिनको आपने दुख दिया इससे आप ही हल्के फील करेंगे इससे आपका ही स्ट्रेस कम होगा इससे आप ही हार्ट डिजीजेस से बचेंगे इससे आपके दिल के लिए ही अच्छा है और अपने सपोर्ट ग्रुप में रहिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एक्सरसाइज कीजिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे अंदर फील गुड हॉर्म रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं हम खुश रहते हैं और इसके साथ साथ अगेन मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि गामो रजनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जापान में एज एन एंटी एंगजाइटी एजेंट रजिस्टर्ड है यानी ये यहां भी आपकी मदद कर रहा है गामो और में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है और ये हमारे अंदर फील गुड हॉर्मोन्स को रिलीज करता है इसीलिए जब हमें पता भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस झेल रहे हैं गामो ओरिज्नॉल हमें खुश रहने में मदद करता है हमें रिलैक्स करता है तो डेली जो मेरा प्रोटोकॉल है उसमें जो डेली की आपकी एक्टिविटी है वो अपने आप से पूछना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और खुद को खुश करना अपने स्ट्रेस लेवल्स को चेक करना ये आपको हर रोज करना होगा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूथ जितने भी यूथ आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं यंग बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं कहना चाहती हूं कि अपने एक्टिविटी लेवल को चेक में रखिए यानी कि एक्सरसाइज उतनी ही कीजिए जितनी आप झेल पाए किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है आपका मुकाबला आपका खुद से है आपको अपना हर रोज एक बेटर वर्जन बनना है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है जो आप झेल नहीं सकते जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं किसी प्रेशर में कर रहे हैं क्योंकि अक्सर अब हम देख रहे हैं कि जिम में जो इतनी ज्यादा लोग एक्सेसिव एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है और लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो ऐसा कुछ हमें रोकना है हमें अपने आप से मुकाबला करना है किसी और से मुकाबला नहीं करना आपको पता है कि कितनी एक्टिविटी आपका शरीर झेल सकता है उतनी ही एक्टिविटी आपको करनी है तो ये आपको ध्यान में रखना है सो so, अगला पॉइंट यहां पर क्लोज होता है कीप योर एक्टिविटी लेवल्स इन चेक अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे प्रोटोकॉल का अपने लाइफ को चेक में रखिए यानी कि अपने लाइफ जो आप खाते हैं जो आपकी हैबिट्स हैं उनको चेक में रखिए आपकी डाइट क्या होनी चाहिए आपकी डाइट में आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है आज की डेट में ये प्रूवन है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल जो एक ऐसे मैन्युफैक्चरर ने बनाया है जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है आपके पास तो बेहतरीन विकल्प हेल्थ गार्ड ऑयल है ही तो वो यूज करें फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल यूज करें प्लांट बेस्ड डाइट लें जितना हो सकता है कच्चे फल सब्जियां खाएं सैलेड्स खाएं बहुत सारे फ्रूट्स खाएं और अपनी डाइट में हर रोज पांच ग्राम से ज्यादा नमक ना खाएं पांच ग्राम नमक एक चम्मच नमक होता है एक छोटा चम्मच उससे ज्यादा एक व्यक्ति को नमक नहीं खाना चाहिए जी हाँ आप सोचिए हम कितना नमक खा रहे हैं जो पैक्ड फूड्स हैं उनमें कितना ज्यादा नमक होता है तो आपको नमक पर कंट्रोल रखना है आपको कम से कम तीन लीटर हर रोज पानी पीना है जिससे आपका हार्ट भी हाइड्रेटेड रहेगा और साथ ही साथ अभी कुछ ही देर में हमारे साथ न्यूट्रिशन का दशकों का एक्सपीरियंस रखने वाली मनीषा मैम भी जुड़ने वाली हैं क्योंकि मैं भी मानती हूं सब कुछ डाइट से पूरा नहीं किया जा सकता आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे विचार ओमेगा थ्रीज विचार मैग्नीशियम जो हमारे हार्ट के लिए जरूरी है तो उस पर वो गाइड करेंगी मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी और साथ ही मैं आपको कहूंगी कि अपनी डाइट में गामो रिजनॉल को एक अहम दर्जा दें उसे एक अहम हिस्सा बना लें एक और चीज जो लाइफस्टाइल की आज स्पेशली यंग जनरेशन की एक आदत बन चुकी है वो है सिगरेट पीना शराब पीना उसको आप कंप्लीटली बंद कर दें ये बहुत बुरी आदत है और ये हार्ट पर बहुत बुरा असर डालती है तो अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखें एक और चीज जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं हम अच्छी डाइट की बात करते हैं हमें अपने वेट को भी कंट्रोल में रखना है एक मार्कर है हार्ट डिजीजेस का कि अगर कोई महिला उसकी कमर 32 इंच से ज्यादा है तो शी इज प्रोन टू तो हार्ट डिजीजेस यानी अगर कोई महिला है तो उसे अपनी कमर का साइज बत्तीस इंच से कम रखना है अगर कोई पुरुष है तो उसे अपनी कमर का साइज छत्तीस इंच के अंदर अंदर रखना है अगर आपकी कमर का साइज इससे ज्यादा है तो यू आर एट अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज इसके लिए आप प्लांट बेस्ड डाइट ले सकते हैं किसी डाइटिशियन से डाइट ले सकते हैं आप अपने वेट को कंट्रोल में रखिए और यहां पर मेरे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों ने कई कई किलो वजन कम किया जिनका वजन नहीं कम होता था तो उन्होंने बताया कि गामो ओरिजिनल लेने से हमारा वजन कम हो गया तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं डाइट के साथ गामो रिजनॉल का कॉम्बिनेशन एंड कीप योर वेट इन चेक और सबसे जरूरी बात आपको अपनी हार्ट की सेहत का ध्यान रखना है उसका टेस्ट करवाना है उसका चेकअप करवाना है वो कैसे करवाना है आपको साल में एक बार अगर आप 40 साल से ऊपर की एज के हैं या 40 साल के हैं तो आपको साल में एक बार किसी लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट से अपने शहर के हार्ट स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्ट करना है कि मुझे अपने हार्ट की हेल्थ चेक करनी है मुझे कौन से टेस्ट कराने चाहिए वो आपको देखकर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखकर आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे स्ट्रेस टेस्ट होता है इको होती है ईसीजी होती है बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं लेकिन वो आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपके अकॉर्डिंग आपको कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और अर्ली एक्शन यानी जल्दी एक्शन लिया जा सकता है ये भी हमारे प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है अब अंत में मैं बहुत ही एक जरूरी बात बताने जा रही हूं कई बार क्या होता है आपने भी सुना होगा कि जब किसी की मौत होती है हार्ट डिजीजेस से या हार्ट अटैक से उनके रिश्तेदार कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था हार्ट अटैक है हमें लगा गैस का पेन है हमें लगा वैसी घबराहट हो रही है यानी कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हार्ट अटैक के साइंस क्या होते हैं सिग्नल्स क्या होते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं अवेयरनेस नहीं है तो ये अवेयरनेस हमें लेनी है अगर चेस्ट पेन है छाती में दर्द है या ऐसा लगे बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यू हो रहा है या लेफ्ट आर्म बाई हाथ में दर्द हो रहा है जो पूरा बाजू तक जा रहा है ऊपर तक पल्पिटेशन घबराहट हो रही है सांस फूल रहा है वॉमिटिंग आ रही है जैसे चक्कर आ रहे हैं उल्टी हो रही है पसीना एकदम बहुत सारा पसीना आ गया और सोलन लेग्स यानी कि आपके जो पैर हैं एंकल्स हैं वो सूज गए तो ये हार्ट अटैक के यहां पर अगर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट हो या खुद को महसूस हो कि मुझे ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं तब आपको पैनिक नहीं करना एक एक्शन इमीडिएटली लेना है वो एक्शन है तीन सो एम जी इकोस्प्रिन एस्प्रिन और तीन सौ एमजी गामोरिजनॉल गामोरिजनॉल मैं यहां पर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये एंटी क्लॉट को कम करती है एंटी डिसलेपिडेम है कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और एंटी ऑक्सीडेंट है एंटी इंफ्लामेटरी है और मैंने ये तीन से चार कार्डियोलॉजिस्ट से चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजिस्ट दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट उनसे कंसल्ट करके ये कॉम्बिनेशन बनाया है और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं मुझे लग रहा है हर इंडियन की पॉकेट में 300 MG और 300 MG Gamma original जरूर होनी चाहिए हम कहीं भी हमें heart diseases का कोई भी भी या कहीं भी हमें डाउट लगे कि इनको वार्निंग साइन है हार्ट अटैक का तो ये इमीडिएट एक्शन हम ले और उसके बाद पेशेंट को इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पहुंचाएं सेवेंटी परसेंट मोर्टेलिटी और ये कई जगह 80 परसेंट मोर्टैलिटी यानी 80 परसेंट हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम एक घंटे में एक्शन ले लें अगर हम इमीडिएटली पेशेंट को इको और गामोरिजनॉल देकर हॉस्पिटल ले जाए तो सेवेंटी परसेंट मोर्टैलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है साथ ही साथ जो पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हो रहा है उसके कपड़ों को भी लूज कर दिया जाए उसने टाइट कपड़े ना पहने हो और जल्दी से जल्दी उन्हें हस्पताल पहुंचाया जाए डॉक्टर्स कहते हैं गोल्डन आर होता है जब हार्ट अटैक किसी को होता है एक घंटा मिलता है गोल्डन आर बोलते हैं उसे जब उसे बचाया जा सकता है अगर वो एक घंटा निकल गया तब बचाना मुश्किल हो जाता है तो मेरी आप सब से आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि जो प्रोटोकॉल आज मैंने आपको बताया है उसे हर कोई फॉलो करे आपके दोस्त फॉलो करें आपके परिवार वाले फॉलो करें हमें मालूम है हम अब हम ऐसा नहीं है कि हमें अवेयरनेस नहीं है हमें नॉलेज नहीं है हमें नॉलेज है जिस तरह हमने कोविड पर काबू पाया है हम इस महामारी पर भी काबू पा सकते हैं और सिंपल सा है हमें सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल को शुगर लेवल्स को भी को स्ट्रेस को एक्टिविटी लेवल को लाइफ को वेट को मॉनिटर रखना है और अपने हार्ट के टेस्ट करवाते रहने हैं साल में एक बार सिर्फ इतना करना है और यहां पर आप अकेले नहीं है हर चीज में आपका गोरिजनॉल आपका साथ दे रहा है एविडेंस है आपके पास डॉक्टर्स का सपोर्ट है आपके पास आपके पास इतना शानदार प्रोडक्ट है तो ये प्रोटोकॉल फॉलो फाव, करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आपके पास ये हीरो है जिसका नाम गामोर है